थोड़ा टेंशन कम है, खुश नहीं, कल तक वो टेंशन था, थोड़ा सा कम रिलैक्स है। तो एक एक खेमे के अंदर की बात मैं समझना चाहूंगा, ठीक है, जो आप ही बूट कैंप में हो, कि एक दिन पहले वाला जो होता है ग्रैंड फाइनल से पहले, जहाँ पे लग रहा है कि आप टॉप थ्री टॉप फोर में हो, सिचुएशन कैसी रहती है, माहौल कैसा रहता है बूट कैंप में, क्या क्या एनालिसिस होते हैं आप, मतलब सारी टीम के आप मेंटर भी हो, एक हिसाब से कोच भी हो, एनालिस्ट भी हो, तो क्या चल रहा होता है एक दिन पहले, ये एज अ व्यूअर एज अ फैन सब लोग जानना चाहेंगे यहाँ पर। अभी आलू के पराठे जस्ट खा के खत्म हुए हैं, वो अपने रूम में लेटे हुए, मैं इधर बैठा हूँ चिल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी टीम हमेशा ऑलवेज चिल रहती है, जो भी सरदर्दी है मैं इनको बोलता हूँ सिर्फ खेलो, इधर जो भी अंदर का गेम का जो देखना है वो तुमको क्लियर मिलेगा, तुम्हें सिर्फ खेलना है, तुम खेलो, बाकी हम देख लेंगे, जो भी पॉइंट्स अप डाउन है कुछ भी है, जोन कुछ भी है, जोन सब देख लेंगे हम, तो ऐसा कुछ नहीं है, टीम प्रेशर में रहती है, टीम बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं रहती, एकदम चिल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल फौजी भाई, और प्रेशर खाली ये पूछना थोड़ा तुम्हें जाओ, हमको पड़ता है प्रेशर आपको तो बिल्कुल पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा था। टीम तो चिल्ली थी क्योंकि जब सारे प्लेयर से हमारी बात हुई, आपने सुना कि उन्होंने बोला हमको सिर्फ घुसना है, मारना है, हमको और कुछ नहीं करना है, तो पूरा जो एक माइंड होता है, एक जो ब्रेन होता है, एक जो प्रेडिक्शन वाला काम होता है, बीइंग आईजीएल आप ही के ऊपर ज्यादा सर प्रेशर होता है, और वो प्रेशर एक बढ़िया सा आईजीएल, वही मानता हूं मैं कि अपने तक रख के अपने टीम पे वो प्रेशर डाइवर्ट नहीं होता और अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करते रहता है, ये आपकी बात बहुत बढ़िया है फौजी भाई। और मैं आपको मैं एक बात ना रोकना चाहूंगा, मेरे को प्रेशर से एक बात याद आई, थोड़ा आप भी रिलेट करोगे इस बात से, कि जैसे कि इंडिया, अब इंडिया में काम कब तक नहीं होता आपको पता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस लगा लो कुछ भी लगा लो, जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ा तब तक इंडिया में लोग काम नहीं करते, तो जब तक टूर्नामेंट का प्रेशर नहीं पड़ता दिमाग काम नहीं करता, तो प्रेशर पड़ना जरूरी है, क्या बोलते रहोगे भाई? एब्सोल्युटली, वैसे सर नॉर्मली प्रेशर से ना बाल सफेद हो जाते, देखिए मेरी तरह आप सर, तो मैं जुल्फी जुल्फे हैं भाई, अच्छा ऊपर से हो गए तो समझ जाओ आगे से जुल्फे हैं, एक मेरा एक डाउट है, ठीक है, मैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं थोड़े ऐसे सवाल पूछते रहता हूँ, अगर कुछ गलत सवाल हो गया तो हमें आप माफ कर देना, ठीक है। मेरा एक सवाल ये है कि हर बार मैंने आपको देखा था ESPL के टाइम पे भी शायद, ठीक है, एक दो दिन आप नहीं खेले, या फिर एक दो दिन आप मैचेस नहीं खेले, या फिर एक दो मैच नहीं खेले, फिर आपने ग्रैंड एंट्री रॉयल एंट्री ले ली, फिर टीम का परफॉर्मेंस बदल गया, ये ऐसे क्यों होता है? क्या आप ट्रायआउट्स के लिए टीम को पहले भेजते हो कि आप खेलो अपने से, देखो अगर अच्छा निकल रहा है तो इट्स ओके आप कंटिन्यू करो, नहीं कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लूंगा, ये स्ट्रैटेजी कैसी है, इसके पीछे राज क्या है वो आप हमें बताइए। मतलब जैसे कि एक होता है कि टीम में अगर रशर्स खेल रहे हैं, मेरे दो रशर जैसे कि रोहित हो गया और डिलीट हो गया, दो रशर्स हैं, अगर मैं क्या है कि मैं आईजीएल हूं, मैं हर काम धीरे धीरे कर सकता हूं, मैं सपोर्टिंग कर सकता हूं और बीच में रशिंग में थोड़ा साथ दे सकता हूं, लेकिन एक प्रॉपर जो एक वर्क होता है वो वर्क हर एक का डिवाइड होता है, तो मैं इनको सोचता हूं कि जो एक होता है कि इन ग्राउंड जो गेम के अंदर है वहां पे चल रहा है, एक होता है कि हम बाहर से पूरा स्ट्रेटेजी बनाया मैंने तुम ऐसे से करना, अगर वो वर्क नहीं कर रहा वहां पे तो देन मुझे खुद को जाके क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि प्लेयर होते हैं एक गलती हल्की हल्की गलती ना बहुत भारी गलती पड़ जाती है, तो वो सब देखना पड़ता है, तो इसलिए दो दिन मैं इनको मौका देता हूँ कि हाँ खेलेंगे, और खेलते भी अच्छा है, बस एक हल्का हल्का मिस्टेक खाते हैं जिसकी वजह से बड़े नुकसान हो जाते हैं, फिर देन आना पड़ता है। बट फिर भी जब भी आपकी वापसी होती है गेम में, टीजी का कमबैक होता है, ये तो सारे दर्शक भी मेरे साथ यहाँ पे एग्री करेंगे, मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को देखा इसी टूर्नामेंट में होते हुए, और वो भी चीज को देखा कि आपको हैवी ड्राइवर किस लिए बुलाया जाता है, ये भी मैंने देख लिया परसों यहाँ पे, शायद कल ही देखा। और एक चीज, तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप ग्रैंड फाइनल्स का डे वन चल रहा था, एक दिन पहले सारे कास्टर्स और सारे जो जितने भी एनालिस्ट थे, हमने सारे सब इंस्टाग्राम पे लाइव गए थे, हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया वन साइड जीतेगी, टेबल टॉप पे सिर्फ इंडियन टीम्स ही रहेंगे, चारों टीम्स इंडियंस रहेंगे, बट डे वन के बाद हमारा प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि पहली मैच में HS वर्सेस TG हुआ था और HS ने TG को, मतलब HS विन हो गई थी TG के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली मैच में, और फिर पूरा डे एंड होते होते दो पाकिस्तान के बुया थे, दो नेपाल के थे, दो इंडिया के थे, उस वक्त हमारा प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था, तो हम नर्वस थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन हो गया था, उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या थी कि आप भी उस वक्त आपके दिमाग में यही था कि भाई एंड ऑफ द डे हमको 100% पता है कि टॉप फोर में इंडियन टीम्स ही रहेंगी, आपका कैसा उस वक्त रिएक्शन था?
अब मेरे को शायद जब हम क्वालिफाई हुए थे तब इंटरव्यू हुआ था, आई गेस या कुछ हुआ था, मैंने उस टाइम पे भी बोला था सबको कि टॉप फोर में इंडियंस ही होने वाली है। वो मैंने भी क्लियर स्टेटमेंट दिया था ये वाला, क्योंकि हमें पता है कि जो मेरे प्लेयर जो टीम में क्वालिफाई की है। अच्छा पाकिस्तान और नेपाल, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। भुया मारने के बाद कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, दो ही तो भुया मारे हैं, बाकी चार दिन बाकी है, सिंपल सिंपल। क्योंकि देखो जो वो क्लैश लैंडिंग थी ना, अभी हम टूर्नामेंट खेलते रहते हैं या फिर कुछ बाहर के स्किल्स खेलते हैं, तो उससे हमारा एचएस से हमारा रहता है, हॉट शॉट से हमारा पंगे मतलब मिल पे रहते हैं। तो लेकिन कुछ टूर्नामेंट में ना एचएस ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी थी, लाइक वो मिल पे नहीं आ रही, जैसे कि अभी नहीं आ रही, तो ऐसे नहीं आ रही थी। तो एक वो था कि मेरे को स्ट्राइक था कि आ सकती है, तो लोंडे प्रिपेयर नहीं था, मतलब प्रिपेयर थे, मतलब बोला ना कि होमवर्क पूरा था, लेकिन वहां पे सडनली टीसी का वाइप आउट होना वो एक शॉकिंग न्यूज थी कि जीरो पे गया। फिर उसके बाद भी कुछ गेम अच्छे नहीं जा रहे, बस एवरेज 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 बोलेंगे उनको, बिलो द एवरेज भी गए थे भाग बहुत सारे गेम, बट कहीं ना कहीं बोला ना दो गेम अगर वो बुआ कर सकते हो तो बाकी 4 दिन है। टूर्नामेंट का पूरा फॉर्मेट देखा होता था कि कौन सी टीम कहाँ जाएगी, तो इंडिया की टीम है आप देख सकते हो, चारों टीम लाइन से है। बिल्कुल बिल्कुल अजय भाई, आज तो मैं ये अगर सवाल पूछूंगा कि इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट नेपाल, ये गलत सवाल हो जाएगा। आज तो इंडिया अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट हो जाएगा। सही है रॉकी भाई, कल ये ये बिल्कुल देख रहे हैं, सब लोग देख रहे थे। बोले रोके सर, मैं तो तारीफ ही मैं कर यही बोल मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जैसे कि मैं देख रहा था पहले इंटरव्यू चल रहा था, डिलीट बेचारा से क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो बेचारा गुमसुम गुमसुम। तो जो एक पूछ रहा था कि इंडिया में ट्रॉफी आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कल ट्रॉफी कौन सा कंट्री उठाने वाला है, वो सबको क्लियर है, सब बड़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं, ट्रॉफी इंडिया के अंदर ही आनी है, चाहे वो हमारी टीजी लाए, चाहे हमारी कैमिन लाए, चाहे ओजी लाए, चाहे एरो लाए, ट्रॉफी तो इंडिया की है, सिंपल। एंड आज मैं रहमान भाई थोड़ी और तारीफ करो, हमेशा करता ही हूँ बट आज तारीफ करूंगा। आई थिंक मुझे कई लोग बोलते हैं रॉकी भाई प्रेडिक्शन बहुत अच्छी करते हो, ये वो। भाई मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हम कुछ भी नहीं है, ये बंदा भगवान है भाई प्रेडिक्शन का। सर कैसे कर लेते हो सर, कैसे? मतलब मैं तो हैरान रह गया आज, मतलब एक बार तो मतलब स्टैंडिंग ओवेशन छोड़िए, मैं शॉक में खड़ा हो गया। मैं ये क्या है भाई, लगातार 2 मैच में एग्जैक्ट लोकेशन, कमेंडेबल। आई थिंक आज तो मतलब मैंने भी दिल से बोला, फौजी अजय है तो होना विजय है डेफिनेटली। अगर मतलब 100% ना से 90% गारंटी है फौजी अजय टीम के साथ है, कितने भी मुसीबत में है टीम निकल के आ जाएगी। एंड दैट इज व्हाई ही इज द बेस्ट कैप्टन। अभी अभी अवार्ड मिला है इनको, आज दिखा दिया उन्होंने कि भाई मैं इंडिया का बेस्ट कैप्टन क्यों हूँ। बिल्कुल कम ना सिर्फ कम बैक, आई थिंक एक आधा खेल इधर उधर हो गए वरना टेबल टॉप भी पक्का था। कल क्या हुआ था अजय भाई, एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। कल ये हुआ था कि हम बैकएंड पूरा संभालते हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, फिर आपका प्रमोशन भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होता है, टीम्स होता है, प्लेयर्स मैनेजमेंट होता है, टैलेंट मैनेजमेंट होता है, टाइम नहीं मिल पाता है मैच देखने, बट ग्रैंड फाइनल्स में सारे मैचेस बैठ के देख रहा हूँ। कल जब रॉकी भाई की होस्टिंग थी वो खत्म करने के बाद वो आए, वो और मैं बैठे थे, हम बिग स्क्रीन पे मैच देख रहे थे, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी इसकी। तो रॉकी भाई से मैं पूछ रहा था, रॉकी भाई जोन कहाँ जाएगा? तो रॉकी भाई ने देखा, थोड़ा सा जूम किया, देखा आप कहाँ पे हो, आपको देखा, अजय जहाँ पे है ना जोन वहां पे जाएगा। आई वाज लाइक ये क्या बात भाई, जोन आप प्रेडिक्ट करो कहाँ जाएगा, ये इतना कॉन्फिडेंट हो या आप पे प्रेडिक्शन है? वो बोला नहीं अजय भाई जहाँ पे है जोन वहां पे जाएगा। देखा जोन गया, आई वाज लाइक वाओ ये क्या था। तो ये क्योंकि ये लगा लो ना, रोके भाई कब से साथ में, जब से हमारा स्पोर्ट्स जीरो पे ग्रो के उठा है ना, तब से हमारे साथ में ही है, तब से वो अपनी चैनल पे प्रैक्टिस क्रीम्स, हम कस्टम में बैठे के वेट करते थे पहले, मतलब वो पूरा जीरो से कब तक साथ में है, तुमको पता है कौन सी टीम कहाँ है, क्या चलता है, तो ये है उनके अंदर, और वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर को। आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मैं तारीफ नहीं कर रहा अपने टूर्नामेंट की, फिर भी एक बात बताता हूँ कि 4 दिन से जो हमारे चैट में चल रहा है, या तो इंडिया चल रहा है या तो टीम के नेम के हिसाब से सपोर्ट चल रहा है, कहीं पे भी यूआईडी स्पैम, कहीं पे भी डायमंड नहीं चल रहा। यह है ई स्पोर्ट की ऑडियंस, ये ऑडियंस अभी ग्रो हो चुकी है, ये बात से बताना कहने वाला था। रॉकी भाई इस पे आपके क्या व्यूज है? और एक चीज मैं आपको अजय भाई ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप जो इंडिया टुडे गेमिंग से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस बार जो एग्जिस्टिंग आपकी ई स्पोर्ट्स ऑडियंस है वो थी ESPL में, ठीक है कि ये ई स्पोर्ट्स का क्राउड है ये देखने आएगा, बट वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप में
बहुत सारी नई ऑडियंस का भी रुझान जो गेम वाली या फ्री फायर वाली है वो ई स्पोर्ट्स की तरफ आया है। आज आप जो ऑडियंस देख रहे हो WEC पे 25,000-30,000 की जो लाइव कॉन्करेंसी आ रही है, इसमें मैं बोलता हूँ कि 5 से 10 हजार जो लाइव कॉन्करेंसी है ये नई ऑडियंस जुड़ी है जो ई स्पोर्ट्स को आज इंजॉय कर रही है। इसके ऊपर अजय भाई आपके क्या व्यूज है, रॉकी भाई आपके क्या व्यूज है? पहले अजय भाई को बोलने दीजिए, आज का दिन उनके नाम। मैं रोकी भाई को मुका दूंगा, हम तो बोल रहे थे कि भाई आपके बारी है। देखिए मेरे हिसाब से अभी भी मैं कहूंगा ये शुरुआत है नुमान भाई, क्योंकि आप आई थिंक पहले अनाउंस कर चुके हैं सेकेंड एडिशन का, जिसमें और भी मेजर ग्लोबल टीम जाएंगे। एंड आई थिंक इस बार मैं जो है गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस बार इंडियन टीम्स बैटल ट्रेंड है। वो जमाना अलग था जब लोगों को आदत थी कि बस इंडिया जा रहा है कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए, बुरा मत मानना अजय भाई, लोगों को ऐसा लगता था कि बस इंडियन टीमें जा रही हैं वही 10वें 11वें पे आना है कॉन्सोलेशन प्राइज लेके आएंगे। मैंने कहा अपनी डिक्शनरी से ना वो कॉन्सोलेशन वर्ड ही निकाल दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास ऐसे कैप्टन हैं, फौजी अजय टू AB जॉन्टी, हर कोई कह रहा है कुछ कर लो। तीसरे दिन पे अनाउंस कर रहे हैं वो कि ट्रॉफी हम नहीं जाने देंगे, इससे बेहतर और टीमों का प्रिपरेशन कभी हो नहीं सकता। आई थिंक इस वक्त टीमों की मैं बात करूं ये अपने पीक पे हैं, अपने फॉर्म में। अभी कोई भी टूर्नामेंट करवा लीजिए एशियन या ग्लोबल, आई थिंक इंडिया डेफिनेटली रेडी टू कॉन्कर इट, नॉट जस्ट टू कम्पीट एंड हैविंग अ कॉन्सोलेशन प्राइज बट टू विन दैट, जीतने के लिए। और एक चीज गाइस, यहाँ पे मैं सारे व्यूअर्स को बता